पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, डायरिया की समस्या, इन सभी से परेशान, कौन सी दवा ली? सभी प्रकार की दवाइयाँ खा ली, अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दवा ली। तो आयुर्वेद पे आने का विचार आया। आयुर्वेद पे आने का विचार तो आया ही, लेकिन अब ये मालूम नहीं पड़ रहा कि आयुर्वेद में कौन सी दवाइयाँ, क्योंकि आयुर्वेद में भी डायरिया के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो किसका सेवन हम करें ताकि हम इस डायरिया की समस्या से निजात पा सकें? डायरिया की समस्या में पेट दर्द होना, ऐंठन होना, बार बार वॉशरूम जाना, पेट ठीक से साफ ना होना, चिड़चिड़ापन होना, इन सब के कारण आंतों में कमजोरी आना, ये नॉर्मल बात है। इन सब का हल अगर कोई एक चीज़ कर सकती है तो आज उस दवा का नाम लूँगा, क्योंकि मैंने लोगों को डायरिया के लिए बहुत ही सारी दवाइयाँ रिकमेंड करी हैं। और अलग अलग दवाइयाँ मैं रिकमेंड क्यों करता हूँ उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल होती है, डोलो होती है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो कुछ लोगों को पैरासीटामोल खाने से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को डोलो खाने से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को दवाई खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाकर स्पेशल उनको अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। कई बार ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है, शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जिस कारण वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं भी अलग अलग दवाइयाँ सबको रिकमेंड करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर एक दवाई से एक इंसान को असर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उस दवाई से दूसरे इंसान को भी असर होगा, लेकिन जब हम उसको दवाई बदल के देते हैं तो उसको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। आज बात करूँगा मैं सूर्य कुटज बिल्वा की। सूर्य कुटज बिल्वा के मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स हैं। दो दवाइयाँ हैं डायरिया की जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता रहता हूँ। एक जो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करता रहता हूँ वो है कुटजारिष्ट, जो जिनको डायरिया की समस्या है उनको मैंने सबसे ज़्यादा रिकमेंड करी है। और कुटजारिष्ट और सूर्य कुटज बिल्वा को सेवन करने की विधि एक ही है। सूर्य कुटज बिल्वा को आज मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुटजारिष्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग कुटजारिष्ट का सेवन कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सूर्य कुटज बिल्वा या कुटजारिष्ट, दोनों में से किसी भी एक दवाई का सेवन कर सकते हैं। दोनों में कोई भी फ़र्क ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा सोचो कि बहुत ही अलग तरीके से सूर्य कुटज बिल्वा बनाई गई है। इन्ग्रेडियंट्स सबके दोनों के सेम ही हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जो भी मेरे को रिस्पॉन्स आता है, जो इसका फीडबैक आया लोगों की तरफ से जिनको मैंने ये दवाइयाँ रिकमेंड करी हैं कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मेरे को मैसेज करते हैं, कि सूर्य कुटज बिल्वा का रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा फास्ट है बजाय कि कुटजारिष्ट से। कुटजारिष्ट का रिजल्ट आने में, ऐसा नहीं है कि कुटजारिष्ट का रिजल्ट नहीं आता या कुटजारिष्ट बेकार है या कुटजारिष्ट ने लोगों का डायरिया ख़त्म नहीं करा। कुटजारिष्ट ने भी लोगों का डायरिया ख़त्म करा है और सूर्य कुटज बिल्वा ने भी लोगों का डायरिया ख़त्म करा है। लेकिन ये चीज़ मेरे को नोटिस में आई है, देखने में आई है, कि जिनको लोगों को मैंने सूर्य कुटज बिल्वा रिकमेंड करी थी उनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट मिल रही हैं। तो सूर्य कुटज बिल्वा आज इसलिए इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ थोड़ी बहुत। इसके मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि सूर्य कुटज बिल्वा के क्या बेनिफिट है। जैसे कि आपके पेट ठीक से साफ नहीं होता, डायरिया की समस्या आती रहती है, आपको मल आपका बंद के नहीं आता, बार बार आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, पेट में दर्द रहता है, ऐंठन मरोड़ की समस्या हमेशा बनी रहती है, चिड़चिड़ापन इसका कारण हो गया है, और कुछ भी खाया पिया नहीं लगता, जैसे कुछ खाते पीते उसी टाइम से आपका आईबीएस ट्रिगर हो जाता है, तो सूर्य कुटज बिल्वा का आप उपयोग कर सकते हो। इसका सेवन बता देता हूँ, सेवन विधि कैसे है कि भोजन के बाद इसको लेना है एक बार, और रात के भोजन के बाद इसको लेना है। जैसे दोपहर के भोजन के बाद एक बार, रात के भोजन के बाद एक बार। और इसको लेते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ कि चार चम्मच आपने एक कटोरी में पानी डाल देना है, चार चम्मच इसमें सूर्य कुटज बिल्वा डाल देना है, दोनों को मिक्स करके भोजन करने के 10 मिनट पश्चात पी लेना है। तो रात के भोजन के समय भी 10 मिनट बाद आपने ऐसे ही करना है। तो इसका इस तरीके से सेवन कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, पूरा विश्वास बना के दवाई लीजिए। ऑनलाइन आपको ये दवाई मिल जाएगी, ज़्यादातर इस चीज़ की मैं रिकमेंड कम कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऑनलाइन ही मिल रही है, ऑफलाइन बहुत ही कम है जहाँ पे ये मिल रही है दवाई। तो अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलती तो ऑनलाइन ट्राई कीजिए, ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, 200 से नीचे की दवाई है ये। तो इस दवाई को लेते रहिए, आप 4 से 5 महीने तक इस दवाई का सेवन करिए, आपकी डायरिया की समस्या को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। आपके जो भी पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, आपका मल बंद के नहीं आता, उस समस्या को ये ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। आपका मल भी बंद के आने लग जाएगा, पेट भी आपका ठीक से साफ़ होने लग जाएगा, और जो चिड़चिड़ापन है वो सिर्फ इसी के कारण है कि आपको डायरिया की समस्या है, कहीं भी आईबीएस ट्रिगर हो जाता कहीं भी। तो जब आपका आईबीएस ट्रिगर होना बंद हो जाएगा तो आपके पेट में जो भी समस्या है ख़त्म हो जाएगी, तो आपका चिड़चिड़ापन भी चला जाएगा। तो सूर्य कुटज बिल्वा अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है, और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
अगर डायरिया की समस्या से गुजर रहे हो और आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सी दवाई ले, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सूर्य कॉटेज मिलवा लो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।